हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बॉलीवुड गुरुजी। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं टॉम हॉलैंड के कुछ अननोन फैक्ट और उन्हें स्पाइडरमैन का रोल कैसे मिला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स फायर। नंबर वन, टॉम हॉलैंड का जन्म 1 जून 1996 को हुआ था, इनकी उम्र भी 25 साल है। नंबर टू, टॉम स्कूल में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भाग लिया करते थे, उनका फेवरेट डांस बैली था, जिस कारण उनके दोस्त उन्हें कई बार चढ़ाए भी करते थे, लेकिन उन्होंने इस सब चीजों को इग्नोर किया और वह आगे बढ़े। टॉम ने अपना डेब्यू 2012 में आई फिल्म द इम्पॉसिबल से किया, जिसमें इनके काम को क्रिटिक्स द्वारा खूब पसंद किया गया। तो चलिए जानते हैं कि इन्हें स्पाइडरमैन का रोल कैसे मिला। तो इन द हार्ट ऑफ द सी मूवी काम करने के बाद जब स्पाइडरमैन का ऑडिशन हो रहा था, तब इन्हें बुलाया गया। इन्हें कई महीनों तक ऑडिशन देना पड़ा, लेकिन तब भी इन्हें उनके लिए परफेक्ट नहीं समझा गया। फिर उन्होंने आशा छोड़ी दी थी, लेकिन एक महीने बाद इन्हें कॉल आया कि आपको स्पाइडरमैन के रोल के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। तब वह सबसे ज़्यादा खुश हुए थे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।